देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई नरेशन दिया गया है, डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, रैंडमली मैं कोई भी सेंटेंस ले रहा हूँ, he said to them you are coming here, उसने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आ रहे, ये आपका है, किसमें है, पूरा आ रहा है भाई, कट गया, अब ठीक, you are coming here कि आप यहाँ पर आ रहे हो, ये सेंटेंस आपका किसमें है, ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन में है, किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में है, आपको बनाना किसमें है, इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो देखो यहाँ पर ये देख लो, ये जो मैं बता रहा हूँ हमेशा आपका काम करेगा, पूरा दिखेगा, आ तो रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी सेंटेंस रहेगा, इससे मैटर नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो कैसा सेंटेंस है ना। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है इनडायरेक्ट बनाने के लिए, अब मैं स्टेप बता दे रहा हूँ इनडायरेक्ट नरेशन बताने के लिए, आपको क्या करना है बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, पहला स्टेप आपको यही करना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस कैसा है, कौन सा सेंटेंस है। और सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस होता है फाइव टाइप का, इन फाइव टाइप में से कौन सा है, सेंटेंस कितने टाइप का होता है, फाइव टाइप में से कौन सा है, पहला स्टेप आपको यही करना है, आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है इन पांचों में से कौन सा है, क्लियर है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड पर आपको ये देखना है, सेकंड स्टेप पर आपको ये देखना है, ये जो बाहर है पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, किस में है, आपको ये देखना है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं ना, यानी कि दूसरे नंबर आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग क्लॉज किस में है, रिपोर्टिंग क्लॉज ये किस में है, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट या फ्यूचर, किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर, आपको ये देखना है पास्ट में या प्रेजेंट या फ्यूचर किस में है, ये आपको देखना है, इतना समझे। पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है बोलो, कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो, यानी कि एफआईआर वाला सेंटेंस है ना, किसके नाम एफआईआर लिखवाया गया है, पांच अपराधी हैं, कौन पांच, मतलब फाइव सेंटेंस है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस किसमें है, दूसरा आपको ये देखना है इसके पहले वाला यानी कि जो बाहर है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट या फ्यूचर किसमें है, क्लियर है, इतना तो देखी होगी। अब देखिए अगर दो स्टेप समझ में आया, अब दो स्टेप के बाद कंडीशन लगता है, अगर फर्स्ट वाला पोर्शन पास्ट में है ऐसे समझ लोगे, अगर फर्स्ट वाला पोर्शन या ऐसे समझो दो पार्ट है कि नहीं, अगर फर्स्ट वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है, क्लियर, और इधर वाला पोर्शन आपका प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है और इधर वाला पोर्शन आपका किसमें है, प्रेजेंट टेंस में या किसी भी टेंस में, है ना, प्रेजेंट टेंस या किसी भी टेंस में है, लेकिन कोई फैक्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल बात है, कोई सही बात नहीं है, वो कोई फैक्ट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं, ये समझ पाए। देखो मैंने क्या कहा, इधर वाला पोर्शन यानी कि जो बाहर वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है और जो अंदर वाला पोर्शन है वो किसमें आपका प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन वो कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट का मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, कोई फैक्ट नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। तो
सिचुएशन में आपका रूल लगेगा। देखिए इधर वाला सेंटेंस अभी मैं कह दे रहा हूं असर्टिव सेंटेंस, अब सही रहेगा ना, इधर वाला सेंटेंस किस में है, असर्टिव सेंटेंस में है जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब बाहर वाला पोर्शन पास्ट में है, अंदर वाला पोर्शन असर्टिव सेंटेंस में है। लेकिन क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दो तरह की बातें होंगी, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, इसी बेस पर तो असर्टिव दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है लेकिन वो कोई फैक्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका रूल अप्लाई होगा। तब क्या अप्लाई होगा, मैं ऊपर लिख दूं, है ना, उस सिचुएशन में आपका रूल अप्लाई होगा, यहां लिख दे रहा हूं, दिख रहा है ना, तब वहां पर तब क्या होगा, आपका रूल लगेगा कि सेड टू जाएगा किस में, पास्ट में, ओ सॉरी टोल्ड में जाएगा, तब होगा। सेड टू किस में होगा, टोल्ड में होगा, केवल सेड टू टोल्ड में होगा, बाकी अभी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर सेड टू करेंगे प्रेजेंट में चला जाएगा, तब सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, यानी कि पहला परिवर्तन यहां पर होगा। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर। दूसरा आपका क्या होगा, ये तो यूनिवर्सल रूल है, याद रखना, सन वाला हर जगह फॉलो होगा, क्लियर है, हर जगह। और उसके बाद में आपका तब रूल लगेगा ऑल प्रेजेंट किस में जाएगा, ऑल पास्ट में जाएगा, ये भी यूनिवर्सल है ना, लेकिन उस समय चेंज नहीं होता जब कोई फैक्ट होता है, तो वहां टेंस में चेंज नहीं होता है ना, तब ऑल प्रेजेंट किस में जाएगा, ऑल पास्ट में जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, बोलो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, हां पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट पर क्या कह रहा हूं, पास्ट कंटीन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, है ना, समझ में आया, इन सबको बहुत अच्छे समझाया गया, फिर कभी समझा दिया जाएगा, ओके, ये हो गया। और बिल किस में जाएगा बताइए, बिल जाएगा वुड में जाएगा, और सर किस में जाएगा, सूट में जाएगा, और कैन किस में जाएगा, कुड में जाएगा, और मैं किस में जाएगा, माइट में जाएगा, समझ में आया इतना, मैं आपका जाएगा माइट, बस यही दो करना है, आपका असर्टिव कंप्लीट हो जाता है। ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट का मतलब समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बिल किस में, वुड में, सर किस में, शुड में, मे किस में, माइट में, कैन किस में, कुड, इतना समझ में आया, ये तब होगा, मतलब दो स्टेप में आपको समझ में आया। अब यही बस पूरा का पूरा नरेशन आपका दो ही स्टेप में कंप्लीट होगा, एक और है आपका, एक और करना, एक तो ये करना है और दूसरा एक तो ये चेंज करना है, दूसरा ये चेंज करना है कि कंजंक्शन डेट का यूज करना है ना, कॉमा इनवर्टेड क्या सिंबल लाजिक कर रहे हो, देखिए कॉमा शर्म नहीं आती लड़कियों के सामने ऐसा करते, देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर है ना के जगह पर, इसके जगह पर क्या लगाना है, डेट लगाना है, समझ में आया, बस यही चेंज करना है, अब नहीं करेंगे, पीछे हो गया, अभी तक देख रहे थे तुम, चलिए। तो सबसे पहले आपको अब यहां पर देखिए, he said to them, उसको मिटा देता हूं, है ना, he said to them you are coming here, उसने मुझसे कहा कि आप यहां पर आ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले आप क्या, आपने क्या देखा, असर्टिव सेंटेंस है, उसके साथ में देखना क्या देखा आपने, क्या ये पास्ट है, हाँ ये पास्ट है, मतलब सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड, तो पहला चेंज आपने यहां कर दिया, ही टोल्ड देम, फिर दूसरा असर्टिव है, मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, तभी तो असर्टिव, असर्टिव है मतलब यहां डेट लगेगा, क्योंकि कितना ये देखो, तब में दो रूल है, एक रूल तो ये है और एक रूल ये है, क्लियर है, ऐसा होगा तब तभी, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्लियर है, देखिए
दूसरा यू, ये तो यूनिवर्सल एक्ट में है, रूल है कि एस ओ एन इस हिसाब से चेंज होगा, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया था। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और बी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मतलब यू हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन का हो तो क्या होता है वो, नहीं होता क्या है, होता क्या है नालायक, मीन्स दमपुर, चेंज ही नहीं होता, बदलता ही नहीं है, तो मतलब थर्ड पर्सन का रहेगा तब चेंज नहीं होगा। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन का है ना, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, देम, देम का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, दे, अब यहां पर क्या होगा, डैड का था और उसने, अरे अभी क्या प्रॉब्लम, तब क्या होगा यहां पर, दे हो गया, दे समझ में आया। अब देखिए आर कमिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाना चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस, ले चलो तो वर कमिंग और हेयर किस में जाता है, देयर जाता है ना, तो यहां पर हो गया देयर, समझिए, देखो कितना इजी हो गया, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना तो सारा मिक्सअप रहेगा, तो दिमाग में कचर पचर हो जाएगा, कचर पचर नहीं करना है ना, पकर पकर करना, सबसे पहले आपको ये देखना है सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है और पास्ट, असर्टिव सेंटेंस के साथ में पहला वाला मैटर किस में है, पास्ट में है, तभी टेंस में चेंज करना है। आप करो, इसका मतलब अगर पहला वाला मैटर, इसका मतलब अगर पहली वाली बार प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब टेंस में चेंज नहीं होगा, हाँ चाचू टेंस में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, समझ में आया, इसका मतलब अगर पहला वाला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर होता तब क्या टेंस में चेंज होता, नहीं होता, अगर पहला वाला पार्ट पास्ट टेंस में है लेकिन वो कोई फैक्ट है तब क्या टेंस में चेंज होगा, नहीं होगा, दो कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होगा, एक कंडीशन और, हाँ बस दो ही कंडीशन, दो कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होगा, कब, जब पहला वाला मैटर किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब टेंस नहीं चेंज करना है, ये समझ में आया। और दूसरा देखो, सुनते भी रहो, हमने क्या बोला था वहां पर, हर चीजें पॉसिबल नहीं कि लिखवाई जा सके, इसलिए कान खोल कर बैठे है ना, ताकि मजाक भी सुन लो, समझ लो, बीच बीच छोड़ता रहूंगा है ना। चलो अगर पहला वाला पास्ट में है लेकिन दूसरा वाला मैटर असर्टिव में है, लेकिन वो कोई फैक्ट है, कोई सत्य बात है, कोई हिस्टोरिकल है ना, या साइंटिफिक कोई भी फैक्ट है, तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं, पहले से लिख लो उसे भी लिखवा दिया जाएगा, इसे लिख लो उसे। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आपका नरेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में देखना आपको इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस क्या है, क्लियर है। दूसरा आपको देखना है सेकंड स्टेप में रिकॉर्डेड क्लॉज पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर रिकॉर्डेड क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और उसके साथ में रिकॉर्डिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है, और उसके साथ रिकॉर्डेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, तब क्या चेंज हो रहा है, ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन अब यहीं पर कंडीशन अगर हम चेंज कर दें, देखो ये कंडीशन सब मैं चेंज करवाएंगे है ना, क्या हुआ, अरे सॉरी, अगर यहाँ कंडीशन हम चेंज करवाते हैं और कहते हैं इनवर्टेड कॉमा के, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब, अब यहां तब आते हैं, ये देखो सर पाया गया इनको, देखिए बिना पानी के साफ करता एकदम सफेद ही ले आया, पासिंग पाउडर निर्मा, चलिए तब क्या होगा, हाँ बता रहा हूं, बता रहा, देखिए तब क्या करना है आपको, तब क्या करना है, टेंस में चेंज नहीं करना है ना, टेंस में चेंज नहीं करना है, इतना समझे, तब टेंस में चेंज
नहीं करना। जैसे अभी इसके पहले मैंने सेंटेंस क्या दिखाया था, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आगे क्या था, यू, वैसे यहाँ देम देम था, चलो कोई ना, यू आर कमिंग टू माई होम, आप मेरे घर आ रहे हो, आ रहे हो मेरे घर, आइए थोड़ा सा खाना खाइए, शर्माइए, आराम फरमाइए, तुरंत चले जाइए, दोबारा मत खाइए, ठीक है, जाते जाते थोड़ा सा बात सुना सुनाइए, चलिए खैर ठीक है, आ जाते हैं। टेंस में चेंज नहीं होगा, देखिए अभी तो ये पास्ट टेंस में है, लेकिन मैंने क्या कहा, बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में, कलाकारी कर सकते हैं, है प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट टेंस का मतलब चार टेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब चार, फ्यूचर इंडिपेंडेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके लिए आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप लोगों को पहचान आती होगी, है ना, देखियो चलिए, ही हैज सेड, अब यहाँ पर ही हैज सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में, बाकी सारा सारा रूल बाकी सारा रूल फॉलो होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज टोल्ड मी, यहाँ डेट लगना है, डेट लग गया, केवल अंतर क्या आया, तब क्या करना है, चेंज करने नहीं, तो यू भी चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वार वाच, अरे आर का नहीं है यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा चार घंटे लगातार बोल रहा हूँ, थक गया देखिए आर कमिंग है, तो आर कमिंग किसमें जाना चाहिए, वाच कमिंग है ना, अरे जीव बहादुर, आर कमिंग किसमें जाना चाहिए, वाच कमिंग में, अरे वाह जीव बहादुर, खद्दरदारी देश लुटू बारी बारी, बच्चा शक्तिमान, जब मैंने बोला अगर इधर वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब टेंस में चेंज नहीं होगा, तो वाच कहां से आ गया, यू के साथ आर का आई के साथ एम लगा दो, आई एम कमिंग, समझ में आया, और टू यहां माई फर्स्ट पर्सन से संबंधित है, फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, अरे सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही का पोजीशन क्या होगा, हिज, यहां पर क्या होगा, हिज होम, समझ में आया कि नहीं, दूसरा मैंने क्या बोला था अगर इधर वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है, इधर वाला पोर्शन किस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में होने के बावजूद भी अगर यहां पर कोई फैक्ट है, कोई फैक्चुअल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कैसा सेंटेंस है, कोई फैक्चुअल सेंटेंस है, तब टेंस में चेंज नहीं होगा, देखो कितना अच्छा रूल, नहीं होगा है ना, तब क्या करना है, टेंस चेंज होगा नहीं होगा, तब टेंस चेंज होगा नहीं, है ना, टेंस चेंज होगा नहीं, मतलब नहीं होगा। चलिए आइए एक सेंटेंस लिखता हूं, टीचर सेड टू हर द अर्थ राउंड्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, टीचर ने किससे कहा, उससे कहा कि पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो देखिए द टीचर, ये हो गया टीचर साहब, सेट टू किस में हो जाएगा, देखो बाकी सारा रूल अप्लाई हो रहा है ना, ये साला सारा रूल अप्लाई हो रहा है, चलो तो सेट टू किस में गया, टोल्ड में, और यहाँ पर हर हो गया
यहाँ क्या लगेगा डेट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो करेंगे, तो यहाँ हो गया डेट द अर्थ, अर्थ तीसरा है, तीसरे नंबर का है ना, तो नहीं चेंज करेंगे, द अर्थ मतलब तीसरा पर्सन है, ठीक। रिवॉल्व्स है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस हो किसमें, पास्ट इंडिपेंडेंस, तो रिवॉल्व्स का, अरे रुक जाओ एक मिनट, सबको पढ़ो ना नवीन भाई ने, रिवॉल्व्स का, अरे रुको मजा तो लेंगे, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडिपेंडेंस में जाएगा, रिवॉल्व्स किस में होगा, किसी में भी नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि रूल क्या है, टेंस में चेंज नहीं होगा, हाँ ध्यान दो, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवॉल्व्स ही रहेगा, हाँ नहीं तो, तो अरे चेंज होगा भाई, ईडी करो, नहीं, क्योंकि ये सही बात है, सच में यार, देखो आप जान लो, सच में पृथ्वी सूर्य का चक्कर है, नहीं पता था ना, पता चल गया, तो रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, बताइए समझ में आया, आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट, अब कंप्लीट है ना, अब देखो नरेशन में सिंपल सा दो स्टेप फॉलो करना है, पहले ये देखो किसके खिलाफ एफआईआर लिखवाया गया है, मतलब जेल के अंदर कौन बंद है, कैसा अपराधी, पांच तरह के अपराधी हैं, है ना, तो जेल के अंदर पांच तरह के, कहां गया जेल, कहां है ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये जेल है ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये जेल है, ये गेट है, ये दीवार है, दो दो दीवार है ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा यानी कि रिपोर्टेड क्रॉस में असर्टिव सेंटेंस है, तब क्या होगा, सेट टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, अच्छा सेट टू किस में जाएगा, टेल में, इसे भी लिख लेना, से टू किस में जाएगा, टेल में, और सेज टू किस में जाएगा, टेल्स में, लेकिन कंडीशन क्या है, इधर वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है, तो उधर वाले में कोई फैक्ट नहीं, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, तो ऑल प्रेजेंट, ऑल पास्ट में, बिल वुड में, ये सब पता है ना, लेकिन इधर वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब इधर वाले के टेंस में चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, इधर वाले के टेंस में चेंज नहीं होता, चाहे फैक्चुअल डेटा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर इधर वाला पोर्शन यानी बाहर वाला पास्ट टेंस में है, तब अंदर वाले में टेंस चेंज नहीं होगा, अनकंडीशन डेट, अंदर वाली बात सही होनी चाहिए, अंदर वाली बात सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, आई मीन रिपोर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला मैटर है, अगर फैक्चुअल डेटा है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, मतलब कि आप सच्चा है, कोई अलग नहीं कर सकता। चलो देखिए इसको मैंने ऐसे जस्ट देखो परेशान, मैं ये सारी चीजें जो बोलता हूँ थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग तो माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ा अंदर से हैप्पी रहोगे तो सारी चीजें समझ में आती है। मेरे पास दो ऑप्शन में आते हैं, तुमको प्रेशर बना दो अंदर से, तुम गुस्सा ना, तो पढ़ने मन लग रहा है ना तुम्हारा ना हमारा, और दूसरा नंबर जो है जैसे खतरा अलग से है ना, तो ये चीज है, थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में कहते रहते हैं, तो अगर फैक्चुअल डेटा है, सच्चा है, सच्ची बात है, ठीक है, तो टेंस में चेंज नहीं होगा, क्लियर है, ओके थैंक यू, इसे लिख लीजिए, लिख लिए।